अब जरा आगे बढ़ते हैं आपकी हेल्थ से ही जुड़ी मजीद बात करेंगे फॉलिश एक ऐसी बीमारी है जिसके बायस जिसम का कोई मखसूस हिस्सा या फिर पूरी आपकी बॉडी जो है वो काम करना छोड़ देती है फॉलिज की बुनियादी वजह दिमाग में खून का लोथड़े की शक्ल में जमना यह खून का बहना है जिसकी वजह से बहुत लंबे अरसे तक माजूरी हो सकती है इसलिए अगर आपको कभी भी कुछ ऐसा फील हो तो उसको लाइट ना ले दिमागी फॉलिज दो जो है इससे कैसे बचा जा सकता है सिम्टम्स क्या हैं इसी पर बात करने के लिए आ, जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मुशतबा अहमद कियानी साहब डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त शुक्रिया वक्त देने के लिए गुड मॉर्निंग सर मुझे बताएं कि आम आवाम के आसानी के लिए बेसिकली फॉलिज क्या है ये कैसे आपको हो जाता है इसके सिम्टम्स क्या हैं जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये बेसिकली खून का लोथड़ा दिमाग की किसी शरीयन में जाकर उसको क्लॉग कर देता है उसको बंद करता है तो उससे फालज की अलामत आती हैं एक और तरह का फालज है जिसमें दिमाग के किसी हिस्से में ब्लीड हो जाता है खून जो है वो ब्लीड की सूरत में जमा हो जाता है जिसकी सूरत में भी फालज का अटैक हो जाता है जो ब्लीडिंग वाला फालज है ये पंद्रह लोगों में होता है और मेजॉरिटी जो है वो एटी जो क्योरेबल है जो इसमें खून का लोथड़ा खून की सप्लाई ब्रेन को दिमाग को बंद हो जाती है और एक खून का लोथड़ा वहाँ जाके उसको ब्लॉक कर देता है फ़ालिज की अलामत जो आम लोगों के जानने की ज़रूरी हैं और जिनको फौरी रिकेगनाइज़ करना ज़रूरी है ताकि इसका इलाज किया जा सके वो आ, बड़ी सिंपल हैं और किसी को भी फॉलिज हो रहा हो तो या तो उनका मुंह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है एक तरफ कोई लिप इस तरह या इस तरह टेढ़ा होना शुरू हो जाता है वो बोलने से कासर हो जाते हैं उनसे बोला नहीं जा रहा होता और उनकी एक साइड ऑफ द बॉडी बाजू और टांग वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और साथ शायद उनको बताने में मुश्किल होती है जो फालिज का मरीज है सबसे मुश्किल बात यह है कि वो खुद से नहीं बता सकता कि मुझे कुछ हो रहा है अच्छा, या मुझे फालिज हो गया है क्योंकि वो खुद ख़ुद उसके बोलने की सलाहियत और वीकनेस की वजह से शायद उसका मूव मुझ करना मुश्किल हो जाता है अच्छा, तो ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं बाई स्टैंडर्ड और जो रिश्तेदार हैं या घर में जो भी मौजूद है जी, जी। उनको रिकगनाइज़ करना पड़ता है कि इस मरीज़ को इस आदमी को हमारी मदद की ज़रूरत है और ये उनको एक साइड पर वीकनेस शुरू हो गई है और ये बोल नहीं सक रहे और ये कोई मसला है, है। तो इसका फौरी तौर पर हस्पता पहुंचाना बहुत जरूरी है और दिल की श्रैन जो बंद होती थी हार्ट अटैक में उसे खोल दिया करते थे तो अभी फालिज के मरीजों में भी यही इलाज इंट्रोड्यूस हुआ है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है उसी वक्त अगर मरीज टाइम से आपके पास अस्पताल में पहुंच जाता है जी जी। तो उसका एंजियोग्राफी के जरिए हम जाके स्टेंट के जरिए मदद से वो क्लॉट जो उसकी शریان में दिमाग की फंसा होता है उसे निकाल देते हैं जब वो निकालते हैं तो उसकी जो डिसेबिलिटी है उसको रिवर्स किया जा सकता है अच्छा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है जी के टाइम पर पहुंचना बहुत जरूरी है अनफॉर्चूनेटली दिमाग दिमाग ऐसा ऑर्गन है कि अगर उसकी ब्लड सप्लाई ज्यादा देर तक रुकी रहे तो परमानेंट डैमेज का शिकार हो जाता है और हमारी भी कोशिश सिर्फ ये है कि जब भी किसी को आप रिकगनाइज करें कि जी ये मसले हो रहे हैं वो बोल नहीं सक रहा उसका मुंह टेढ़ा हो रहा है उसकी एक साइड ऑफ द बॉडी वीक हो गई है कमजोर हो गई है तो उसको फॉरी विद इन फोर आवर्स अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचा देंगे जी जी। और वो भी अभी फिलहाल पाकिस्तान में ये हस्पताल बहुत थोड़े हैं मैं पिंडी इस्लामाबाद में मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो यहाँ पे तीन हस्पताल हैं खाली गवर्नमेंट सेक्टर में रावल पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है अच्छा। और आर्मी वालों का मिलट्री हॉस्पिटल है और एक शिफा इंटरनेशनल प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है सो होता यह इन आ रही सी रावल पिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जहाँ मैं काम करता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है इसके कोई पैसे नहीं लेते सो अच्छा। so, उसमें होता यह है कि अगर फोर आवर्स में पेशेंट पहुंच जाए तो हम उसकी फॉरन एनजियोग्राफी करके और उसका जो क्लॉट जो दिमाग में फंसा होता है उसे निकाल देते हैं और अगर वो फोर पहुंचा हो तो एटी चांस होता है कि वो मरीज फुली रिकवर हो जाएगा और वो सारी उम्र के लिए अपाच होने से और एक डिसबिलिटी का शिकार होने से बच जाए अगर खुदा ना खासा के लाइक आपको ये अटैक हुआ है और आपको पहुंचने में देरी हो गई है तो सर क्या इसका हम ये समझें कि ये तो आपके लिए बड़ी एक अलार्मिंग सी चीज़ पैदा हो सकती है क्योंकि चार घंटे का टाइम आप जैसे कह रहे हैं हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं जी कि, कि किसी को पहुंचने में 10 से 12 घंटे या आपके इलाके में ये फैसिलिटी मौजूद ही नहीं है छोटे इलाकों में होता है ना जैसे समझ लें हम बुजरामाला से लाहौर का ट्रैवल करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद लाहौर आके रिकवरी होगी या हम बुजरा माल से इस्लामाबाद का ट्रैवल करना चाह रहे हो इस्लाबाद जाके रिकवरी होगी तो सर उसमें फिर उस डेसन में आप क्या कर सकते हैं कुछ मरीजों में यह सिक्स टू ट्वेंटी फोर आवर्स तक विंडो बढ़ाई जा सकती है अच्छा। और छह से 24 घंटे में लेकिन यहाँ ये यह बताना जरूरी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो वो उतनी अफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की ख़त्म हो जाती है अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बोला ब्रेन बहुत जल्दी ब्रेन के जो सेल्स हैं बहुत जल्दी वो डेड हो जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है और वो वापस नहीं आते लेकिन हमारे पास सी स्कैन की एक स्पेशल तरीका मौजूद है जिसमें हमें पता चल जाता है कि अगर हम जरा सिक्स टू ट्वेंटी आवर्स की विंडो में चले जाएँ यानी छः से चौबीस घंटे हो गए इलाम को और अगर Uh, ब्रेन के सेल्स किसी वजह से बच गए हैं और जी वो डेड नहीं हुए वो एक स्पेशल किस्म का सीटी स्कैन है ये उस पर पता चलता है तो उन मरीज़ों में भी हम इंटरवीन करते हैं अच्छा। लेकिन 99% परसेंट लोग अगर वो चार से छः घंटे छः घंटे मैक्सिमम की विंडो क्रॉस कर जाएं तो फिर उनको उतना फ़ायदा नहीं होता और उनको शायद उनकी आ, को वो हम रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते अच्छा इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाई स्टैंडर्स और एम्बुलेंस सर्विसेज किसी जी को ये प्रॉब्लम हो रही है उसको फॉरन टाइम ज़ाया किए बगैर हॉस्पिटल पहुँचाएं ताकि उसका इलाज हो सके सही अच्छा डॉक्टर साहब आपने क्लॉट का जिक्र किया ना जी क्लॉट बन जाना जो है इसकी वजह से ये सिचुएशन पैदा होती है अच्छा क्लॉट बनता क्यों है एक्चुअली uh, uh, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं पर uh, ज़्यादातर वजह वो हैं जो हमने खुद बनाई हैं जैसे uh, सिगरेट नोशी का बहुत बे बेधरे uh, इस्तेमाल जो है फिर और तरह के जो नशे हैं ये uh, बहुत बड़ी कॉमन कॉज हैं बहुत मेजर कॉज हैं जिनकी वजह से जिसम के अंदर uh, खून के लोथड़े बनना शुरू होते हैं और वो हार्ट अटैक फालिज और इस तरह के मसाइल क्रिएट करते हैं इसके अलावा जो हमारे uh, माशरे में और बीमारियाँ जैसे ब्लड प्रेशर प्रेशर का प्रॉपर कंट्रोल ना करना ब्लड प्रेशर है किसी को कोई बात नहीं उसका इलाज मुमकिन है लेकिन जब आप उसकी दवाई नहीं खाते और उस पर सीरियसली नहीं लेते और कंट्रोल नहीं करते तो वो भी फालिज की वजह बनते हैं देन हमारी डाइट हमारी फिजिकल एक्टिविटी ये सारी चीज़ें मिल के क्लाट्स बनाने की और ये फालिज के अटैक की रीज़न बनती हैं इंतहा जरूरी है कि ये इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाए कि एक हेल्दी लाइफ अपनाना कितना जरूरी है सेहतमंद जिंदगी के लिए और इसको शुरू से ही बच्चों में स्कूल्स में और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में ये एजुकेशन देने की जरूरत है कि एक स्पोर्ट्स को प्रमोट करें वक्त पर सोना हेल्दी लाइफ आ, स्ट्रेस फ्री आ, अपने आप को रखना इसकी तालीम दी जाए मज़हब का आ, साथ शूर लोगों को ये भी बहुत ज़रूरी है ताकि अन ड्यू स्ट्रेस से बच सकें सो so, ये सारी चीज़ें मिलकर हम कोशिश कर सकते हैं कि लोगों को फालिज दिल के अटैक और इस तरह की बीमारियों से महफूज रख सकें अभी आपने जिक्र किया का तो हमारी सोसाइटी में हर दस में से आठ आठ जो लोग हैं वो तो स्ट्रेस का शिकार नजर आते हैं किसी ना किसी वजह से वो डिप्रेशन या टेंशन में होते हैं अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हमने कहा कि जी बॉडी का कोई भी एक मखसूस हिस्सा या पूरी बॉडी आपकी इफेक्ट होती है तो अगर आपका मखसूस हिस्सा इफेक्ट हो रहा है अगर बॉडी का एक हिस्सा इफेक्ट है तो उसके लिए तो आपके लिए थेरेपीज होती हैं कि आप डिफरेंट थेरेपीज पे चले जाते हैं लेकिन खुदा ना खासता, अगर पूरी बॉडी आपकी इफेक्ट हो रही है तो सर उसके रिकवरी में कितना टाइम लग सकता है देखें जी अगर आपने एक दफ़ा स्ट्रोक हो गया मैं इसीलिए बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक दफ़ा फॉले फ़ालिज इस्टेबलिश हो गया और उसका ये प्रॉपर इलाज ना हो सका ये दुनिया में भी कोई बहुत पुराना इलाज नहीं है ये 2015 से होना शुरू हुआ है पूरी अच्छा। दुनिया में भी हम ऐट पा रहे हैं लकीली हम दुनिया के साथ इस इलाज में चल रहे हैं और हम पीछे नहीं हैं दुनिया से तो अगर एक दफ़ा फ़ालिज का अटैक्स अटेंड कर जाए और एक दफ़ा कमज़ोरी हो जाए तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज है लोगों की जो इस रिकवरी नहीं होती है और वो परमानेंट डैमेज का शिकार हो जाते हैं फिर वो एक लाइफ लॉन्ग पूरी एक अपनी ज़िंदगी के लिए

और अगर आ, ये अवेयरनेस फैलानी भी ज़रूरी है कि अगर आपको फालिज का अटैक हो रहा है तो फ़ौर हॉस्पिटल पहुँचें टाइम ना जाए करें टाइम ना तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं ठीक है डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहते हैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और स्पेशली जिन चीज़ों का जिक्र किया है स्मोकिंग छोड़ दें हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएँ हम डेली बेसिस पर इसलिए बात करते बेसे हैं क्योंकि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है